उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा के सुपा गांव में मंगली बाजार में स्थित दलित बस्ती के बसिंदे पिछले एक महीने से खासे परेशान हैं। उन्होंने एक वीडियो बनाकर जिलाधिकारी से कार्रवाई के आदेश देने के लिए प्रार्थना की। दलित बस्ती के बासिंदों का कहना है कि बीडीओ एडीओ और ग्राम पंचायत अधिकारी सभी अपने अपने में मस्त हैं। कोई भी बस्ती की सफाई पर ध्यान नहीं दे रहा है। सफाई कर्मी भी इनके संरक्षण में फल फूल रहा है, जिससे बस्ती के बासिंदे काफी परेशान हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि पिछले एक महीने से आगे का नाला बंद है, जिसकी वजह से सड़क पर कीचड़ है। आपको बता दें कि दलित बस्ती के बासिंदे पुष्पेंद्र सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष भी हैं, जिन्होंने एक वीडियो संदेश बनाकर जिलाधिकारी से दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। ये ग्राम सुपा में मंगल बाजार की रास्ता है, यहाँ हरजन लोग निवास करते हैं। एक महीने से बराबर जलभराव है, जिस कारण से हरजनों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सेक्रेटरी साहब अपने में मस्त हैं, रुपए खाने में मस्त हैं, बीडीओ अपने में मस्त है, एडीओ अपने में मस्त है, और जनता पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। एक महीने से हरजन लोग परेशान हैं। इसकी सूचना सभी कर्मचारियों को दी गई, लेकिन इसका कोई निस्तारण ही नहीं हो रहा। नाला पूरा बंद पड़ा है और जलभराव है। यहाँ पे मंगलवार के दिन यहाँ पे बाजार भी लगता है। अरे सफाई कर्मचारी कहाँ मुझे। माननीय डीएम साहब से निवेदन है कि ऐसे लापरवाह कर्मचारियों के ऊपर कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाए। अखंड भारत न्यूज के लिए शिव नारायण गुप्ता की रिपोर्ट, महोबा।